हमीरपुर में पहाड़ी आलू की डिमांड ज्यादा होने पर इस पर कृषि विभाग ने किसानों के लिए कुफरी ज्योति आलू का बीज उपलब्ध करवाया है, ताकि लाहौल स्पीति में पैदा होने वाला आलू अब निचले क्षेत्रों में भी उग सके। वहीं किसानों की डिमांड के चलते कृषि विभाग ने भी 200 क्विंटल बीज मुहैया करवाया है और लाहौल स्पीति के कुफरी ज्योति आलू का बीज लेने के लिए किसान भी काफी दिलचस्पी दिखाते हुए आलू की फसल का उत्पादन करने के लिए उत्सुक है। आपको बता दें कि लाहौल स्पीति का पहाड़ी आलू कम पानी वाली जमीन में भी अच्छी पैदावार देता है, इसलिए हमीरपुर में कम पानी वाली जगह पर भी इसकी पैदावार किसान कर सकेंगे। आपको बता दें कि हमीरपुर कृषि विक्रय केंद्रों में लाहौल स्पीति का कुफरी ज्योति आलू का करीब 170 क्विंटल बीज पहुंच गया है। किसानों को बीज पर 200 रुपए प्रति क्विंटल सब्सिडी मुहैया करवाई जा रही है। लाहौल का मशहूर कुफरी ज्योति आलू बीज कम पानी में तैयार होने वाली फसल की हमीरपुर में ज्यादा डिमांड है। आलू की फसल 85 से 90 दिनों में तैयार होती है। किसान एक हेक्टेयर में 25 क्विंटल बीज से 200 से 250 क्विंटल की पैदावार हासिल कर सकता है। उक्त बीज सबसे बढ़िया वैरायटी में गिना जाता है। कम समय में तैयार होने वाली फसल को लेकर आलू की फसल को लेकर किसान काफी उत्साहित है। किसानों का कहना है कि कृषि विभाग के द्वारा पहाड़ी आलू का बीज दिया जा रहा है, जिसे समय पर बीजकर अच्छा उत्पादन होने की उम्मीद है। किसानों ने विभाग का आभार व्यक्त करते हुए आलू की नई फसल के लिए किसान भी काफी उत्सुक हैं और सब्सिडी पर बीज मिल रहा है। यहाँ जो ये एग्रीकल्चर का स्टोर है, इसमें बढ़िया किस्म के बीज या हर चीज जो है वो सिक्केबंद मिलती है और उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ये आलू का बीज आया हुआ है, ये भी बहुत अच्छा है और ये बीज जो है ये लगभग जो है 50-52 रुपये किलो है। तो इस बीज का ये है कि इसके इसको उगाने से इसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा फसल होती है। इसके लिए मैं कृषि विभाग का धन्यवाद करते हैं। यहाँ पे आलू खरीदना है, ये नई फसल आई आलू की, तो मैं कृषि विभाग का इसके लिए बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमें ये सुविधा यहाँ उपलब्ध करवाई और उनका रेट जो है वो बहुत बढ़िया है, जो बाज़ार से बहुत कम है। और इस बार जो आलू आया हुआ है वो बहुत अच्छा आया हुआ है, जिससे फसल जो है वो बहुत अच्छी होगी और मुनाफा भी बहुत अच्छा होगा। पर मैं इससे ये बात कहना चाह रहा हूँ कि जैसे इस बार आलू आया तो इसकी हमें सब्सिडी ज़्यादा होनी चाहिए। जिस हिसाब से इसकी सब्सिडी है उसमें कोई फायदा नहीं हो रहा है। और कृषि बीज विक्रय केंद्र के इंचार्ज एवं प्रसार अधिकारी अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि पहाड़ी आलू का बीज उपयुक्त है और कम पानी में अच्छा उत्पादन देता है। उन्होंने बताया कि किसानों का अनुदान पर बीज मुहैया करवाया जा रहा है, जिससे किसानों को भी आसानी से बीज मिल रहा है। अभी हमारे पास आलू कुफरी ज्योति वैरायटी का बीज मनाली से आया हुआ है। यह बीज हमारे हमीरपुर के लिए बड़ा उपयुक्त है, क्योंकि यह कम पानी में अच्छा उत्पादन देता है और इसकी हमारे पास 20 क्विंटल जो सप्लाई आई है, किसानों को 2 रुपये अनुदान पर ये उपलब्ध है। इसकी पूरी कीमत 53 रुपये प्रति किलो है, 2 रुपये उस पर अनुदान है, इस प्रकार ये 51 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है और किसान यहाँ लेने आ रहे हैं इस बीज को। और बाकी किसानों से अनुरोध है कि विभाग से जल्दी अपने आवश्यकता अनुसार बीज ले लें, क्योंकि 20 क्विंटल है फिर बाद में शॉर्टेज हो जाती है। तो यही किसानों के लिए मेरा संदेश है। हमीरपुर जिला कृषि उपनिदेशक जीत सिंह ने बताया कि आलू की बिजाई दिसंबर माह में की जाएगी और इस बार किसानों की डिमांड के चलते लाहौल स्पीति से पहाड़ी आलू का बीज मंगवाया गया है, जिसे किसानों को दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वे बीज कम पानी वाली जमीन में भी बढ़िया उत्पादन देता है और इसी के चलते सब्सिडी देकर किसानों को बीज वितरित किया जा रहा है। जहाँ तक मैं जिला हमीरपुर की बात करूँ, रबी फसल की बुआई की बात करूँ, उसमें आज की तारीख में जो है जहाँ तक गेहूँ की बुआई का ताल्लुक है वो पूर्ण हो चुकी है। चूँकि आपने आलू के ऊपर प्रश्न किया, आलू की बुआई किए जाना अभी बाकी है। इस बार जो है हमने लाहौल पोटैटो सोसाइटी से जो लाहौल स्पीति में जो बीज आलू पैदा होता है, कुफरी ज्योति नामक की जो किस्म है वो हमने
290 क्विंटल यानी कि 29 मीट्रिक टन जो है वो आलू किसानों की मांग के अनुसार जिला में उपलब्ध करवाया है। हाँ, क्योंकि आलू के इस बार जो है वो मार्केट रेट इवन टेबल पर्पज के लिए जो आलू आपका यूज होता है उसके भी दाम काफ़ी थे। उसी एवज में जो है इस बार जो आलू का मूल्य जो निर्धारित किया गया है वो 53 रुपये प्रति केजी यानी 5300 रुपये पर क्विंटल का दाम निर्धारित किया गया है और किसान और सरकार के मापदंड के अनुसार उसमें जो है 200 रुपये प्रति क्विंटल की दर से जो है वो उसमें अनुदान दिया जा रहा है और किसानों को जो है 5500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से आलू का बीज कुफरी ज्योति किस्म का जो है उपलब्ध कराया जा रहा है। हमने जैसे जिला में हमारे जो विकास खंड हैं वहाँ पर जो हमारे किसी बात विशेषज्ञ रहते हैं जो कि फील्ड स्तर पर जो इस कार्य को देखते हैं तो उस मुताबिक हमारे जिला में जो मांग उन किसी बात विशेषज्ञों की तरफ से आई थी वो लगभग 200 क्विंटल के इर्द गिर्द थी, पर हमने जो है चाहा है कि इस क्षेत्र में क्योंकि जैसे इस बार देखा है कि आलू के काफ़ी दाम रहे हैं तो हमने चाहा कि इसके अंतर्गत और एरिया जो है वो लाया जाए। इसी के मद्देनज़र हमने जो है 9 मीट्रिक टन जो है वो आलू का ज़्यादा बीज जो है वो जिला में उपलब्ध कराया है।